हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जियो F90M ब्लैक। मैं इसमें आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं, दोस्तों आप इसमें देखना इसमें क्या प्रॉब्लम है, और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो इस तरह की प्रॉब्लम इस फ़ोन में आती है वो किस तरह से सॉल्व होगी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा जियो का फ़ोन ऑन होने वाला है। मॉडल नंबर हमारा F90M ब्लैक है। इसमें एक तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कस्टमर का कहना है कि सर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम इसमें क्या आ रहा है, इसमें टेम्परेचर हाई बता रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें कुछ देर के बाद इस तरह का मैसेज आ जाता है, टेम्परेचर टू हाई, फ़ोन विल टर्न ऑफ ए टेम्परेचर, कीप राइजिंग। तो आज दोस्तों हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम आता है टेम्परेचर टू हाई का, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो उसके लिए क्या करना है हम आपको बता देते हैं। ये आपका मॉडल F90M है, तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ आपको छोटा सा एक जम्पर यूज करना होगा और जिसकी मदद से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम जम्पर यूज करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जम्पर वायर ले लेते हैं और उसे थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जंपर कहां से कहां लेना है। आप यहां पे देख सकते हैं इसका जो हेडफोन के बराबर में NTC लिखा हुआ है फ्रेंड्स, NTC का जंपर यहां से लेकर आपको जो बैटरी कनेक्टर का BSI पॉइंट है, जो बीच का मिडिल का पॉइंट है, वहां पे आपको ये जंपर कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तब हम इसको कर देते हैं। उससे फ्रेंड्स आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसको अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पर NTC है फ्रेंड्स, NTC यहाँ पर आपको ये जम्पर पेस्ट करना है, ये जम्पर लगा देना है। तो यहाँ से इसको हम BSI पर पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको दोबारा से ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आप देख सकते हैं NTC से आपको BSI पॉइंट के बीच पर ये लगा देना है फ्रेंड्स। अब चलिए हम इसको फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, इसको लगा दिया है।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन फ्रेंड्स ऑन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वो हमारा मैसेज अब नहीं आ रहा है, टेम्परेचर टू हाई का। आप देख सकते हैं हमारा वो मैसेज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।